देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। आजाद भारत का जो सपना है उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आजादी के अनेक दशकों के बाद भी इस देश में 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, और ये गांव अधिकतर हमारे आदिवासी बस्ती के गांव थे, हमारे पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वालों के लोगों के गांव थे, जनजातियों से गांव थे, नॉर्थ ईस्ट के गांव थे। लेकिन ये उनके चुनाव के हिसाब किताब में बैठता नहीं था, इसलिए इनकी प्रायोरिटी नहीं था। हम जानते थे ये कठिन काम इन्होंने छोड़ दिए हैं। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे, हम इस चुनौती को भी उठाएंगे। और हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया, समय सीमा में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई। और उस चुनौतीपूर्ण काम करने के पीछे गांवों में एक नई जिंदगी की अनुभूति हुई, उनका विकास तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई देश की व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ा। और विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है, जब देश के नागरिकों का विश्वास बनता है तब वो लाखों करोड़ों गुना एक सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाता है। वो विश्वास हमने जीता है। और